मेरा नाम शिव कुमार यादव, कालका जी नई दिल्ली में रहता हूँ और मैं एक व्यापारी हूँ। मैं आज अपने अहीर अर्जुन भाई आंबलिया के साथ में यहाँ जंतर मंतर पर, जो इनका 194 दिन है, ये धरने का होने जा रहा है। मैं पहले भी यहाँ बहुत बारी आया हूँ, मिलता जुलता रहा हूँ और आज मैं अपने भाई के साथ में पूरा दिन इस धरने में उनके साथ में बैठ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि 194 दिन हो रहे हैं भाई को और हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पर भाई के साथ एक दिन बैठ करके और अपने मन में, अपनी आत्मा में ये शांति दे लें कि हमने एक दिन भाई के साथ बैठे हैं, तो इससे हमें और भाई को बल मिलता है। यही छोटा सा कार्य हम सोचे कि भी अगर और भी समाज में हम लोग देवें तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा ही, जैसे एक पुल बना था जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने गए थे, तो उस पुल बनाने के लिए कहते हैं एक गिलहरी जो थी वो मिट्टी का दाना अपनी पीठ पर लेकर के और वो जाती थी और छोड़ करके आ जाती थी। इतना सा काम हम इसमें अपना करें तो मुझे ये लगेगा कि इस यज्ञ में मैंने भी एक छोटी सी आहुति दी है। इसके साथ में मेरे मन में ये भी विचार है कि भाई मुझे फिर कहेगा आने के लिए, तो मैं फिर से इस प्रकार से अपना दिन पूरा उसके साथ में निकालूं। इससे उसका मनोबल बनता है और ये कोई मेरे लिए, हमारे लिए कोई विशेष काम नहीं है, पर इससे उसका जो भाई का जो उसको जो ऊर्जा मिलती है वो बेहिसाब उसका बल मिलता है। मैं इतना ही अपना निवेदन करूंगा और अब मैं चाहूंगा अर्जुन भाई अहीर हमारे जो बैठे हैं धरने पर, वो अपनी बात शुरू करें आपसे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव, जय गौ माता, जय राष्ट्र माता, सभी साथियों को। ये जो लड़ाई है वो पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमारे आदरणीय शिव कुमार जी जैसे कर्मनिष्ठ बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ, मतलब कि उसका आशीर्वाद पहले से ही बना रहा है। और काफ़ी ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं जो यहाँ आ तो नहीं पा रहे हैं लेकिन वहाँ से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके चरणों में मैं वंदन करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जो ये दोनों मांग है जल्द से जल्द पूरी हो और आने वाली जन्माष्टमी पे गुजरात में एक सभी संगठन मिलकर गौ माता के नाम जन्माष्टमी का कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं भी ये इस वीडियो के माध्यम से गुजरात के और अन्य राज्यों के सभी बंधुओं से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि हो सके तो जन्माष्टमी पे गांधीनगर पहुँचे और ऐसे ही आपका, आप सभी का प्यार और साथ मिलता रहे। ये लड़ाई हम सब की है,
कोई एक व्यक्ति, समाज या धर्म की लड़ाई नहीं है, ये भारतवर्ष की लड़ाई है, क्योंकि धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा की लड़ाई है। और हम इसके लिए हम ही आगे नहीं आएंगे तो कौन आएंगे, कौन आएगा। तो ऐसे ही आपका प्यार सबका बना रहे ऐसी उम्मीद के साथ, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय राष्ट्र माता।